एक बार नीम करौली बाबा, नीम करौली बाबा हल्द्वानी में थे और वहां पर वो अपने भक्तों के साथ थे। एकदम से नीम करौली बाबा थोड़े से मौन हो गए, शांत हो गए, दुखी हो गए, चिंतित हो गए। उन्होंने आंख बंद की, 2 चम्मच अपने भक्त से पानी मांगा। वो 2 चम्मच पानी पी गए, उनकी आंखों से आंसू निकले और उन्होंने जो शब्द कहे, क्या कि अब रमण नहीं रहा। और ये बात है रमण महर्षि की। भारत से एक, उन्होंने कहा कि भारत से बहुत ही अद्भुत संत अब हमारे बीच में नहीं रहे, रमण महर्षि। कैसे पता लग गया नीम करौली बाबा को इस बारे में? कई सारे लोग इस बारे में चर्चा करते हैं जो लोग उनके साथ रहे हैं। नीम करौली बाबा के किताबों में भी इस चीज का वर्णन है। देखो, सबसे पहली चीज, मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी अंधविश्वास को या फिर मैं कोई चमत्कारी शक्तियों को प्रोपेगेट नहीं करना चाहता। मैं इस चीज पर आपसे इंसाइट शेयर कर रहा हूं कि कैसे पता लग गया होगा नीम करौली बाबा को। आप समझ रहे चीज को, कि आपने देखा होगा इंडिया में भी कुछ, मतलब इंडिया के जो एंशिएंट चीजें हैं ना, वो बड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है। आप इंडियन फिलॉसफी को देखोगे ना, ये बहुत ही अलग है। यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं। वेदांत हिंदुज्म में अगर आप देखो, अलग अलग फिलोसफर रहे हैं। तो कई लोग आपने देखे होंगे कि जो, कई साधु संत आपने देखे होंगे कि जो आपको देख के बता देंगे आपके बारे में कि आपने क्या क्या खाया। ये सारी चीजें होती रहती हैं यहाँ पर, कहीं और नहीं होता ये ज्यादा। आप समझ रहे चीज को, कि कोई सिद्धि है या कुछ है, कुछ चीजें हैं। जब आप बहुत ही ज्यादा शांत रहने लगते हैं ना, जब आप एक एक्चुअल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगते हैं, देन एक एक और परत है सूक्ष्म जगत की, इसको स्पिरिचुअल लोग कहते हैं, है ना। वहां पर आज के टाइम पर अगर हम बात करें टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, है ना, ये सारी क्वांटम वर्ल्ड की जो बातें हैं, इन सब में भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी हमें झलक इन चीजों की मिलती है। तो नीम करौली बाबा मैंने बताया, जैसे जब आप बहुत ज्यादा शांत होते हैं, आपका मन बहुत ज्यादा शांत होता है, तो फिर पता नहीं कहाँ से आपके अंदर इंसाइट आती है। पता नहीं कहाँ से आपके अंदर जो है वो एक एक अनइनवाइटेड चीज आने लगती है। आपको आभास होने लगता है, पता लगने लगता है चीजों का। क्या पता यही हुआ हो नीम करौली बाबा के साथ? और नीम करौली बाबा के बारे में बहुत सारे लोगों ने ये बात भी, मतलब चाहे वो कोई विदेश से आया हो, आई डोंट नो, आप इसको एक मेंटल ट्रिक भी कह सकते हैं जो मेंटलिस्ट करते हैं, वो चीज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। लेकिन विदेश से जो भक्त आते थे, नीम करौली बाबा क्या देते थे? तुम किस किस बारे में सोच रहे हो? रामदास एक बार सेक्स के बारे में सोच रहे थे, नीम करौली बाबा ने बता दिया। रिचर्ड एल्पर्ट, जो कि रामदास बन गए थे, एक बार वो अपनी मम्मी के बारे में सोच रहे थे, उनकी मम्मी की का ध्यान हो गया था कुछ टाइम पहले, नीम करौली बाबा ने सब बता दिया कि तुम्हारी मम्मी का ध्यान हुआ था, तुम इस वजह से परेशान हो, ये सारी चीजें। और देखो, मैं इन चीजों को नकारूंगा नहीं, ना ही मैं इन चीजों को एक्सेप्ट करूंगा। मैं इन चीजों को बस एज इट इज देख रहा हूँ, और मेरे अंदर जो इंफॉर्मेशन है, मैंने उसको आपको ट्रांसफर कर दिया। मैं किसी चीज का दावा नहीं करता। तो इंडियन के सेजेस थोड़े से अजीब है भाई, थोड़े से अलग है, ठीक है। ये यहाँ की फिलॉसफी अलग है, यहाँ मन को शांत करा जाता है, समझ रहे हो। यहाँ एकत्व की बात होती है, यहाँ पर अंदर जाने की बात होती है। तो अंदर के जो नियम है, हम अभी उससे इतना परिचित नहीं, इसलिए हमें चीजें और लगती हैं, क्योंकि हम बार बार जा रहे हैं, साइंस में जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों में जा रहे हैं। बट यस, मैं ये कहूंगा कि इन चीजों के चक्कर में आपको, इसलिए ये सभी लोग सिद्धियों को मना इसलिए करते थे कि
इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके अंदर डिपेंडेंसी हो जाती है। इसलिए नीम करोली बाबा भी सिद्धियों का विरोध करते थे, रमन महर्षि भी करते थे कि सिद्धियों से आपकी ग्रोथ रुक जाती है, बुद्ध भी करते थे कि फिर आप किसी पर डिपेंड हो जाते हो, समझ लो आप अपने अंदर नहीं जागते, फिर आप किसी किसी की सिद्धि देख ली आप उसके भक्त बन गए, अंधभक्त बन गए। दैट्स व्हाट मैं ये कहना चाहता हूँ। और लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे से बात करना चाहते हैं स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर, और या मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिनमें जिसमें कुल 70-80 से ज़्यादा वीडियोस हैं, 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस, और 24 हैं थ्योरेटिकल ध्यान की, स्पिरिचुअलिटी की और मेडिटेशन की वीडियोस, इतना सब कुछ, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं 9773529489। इस नंबर से आप मुझे कॉन्टैक्ट करें और जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सअप पर। थैंक यू वेरी मच।